दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल यू ब्लॉग बिजनेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आज आपको पता होगा कि मैं आपको अपने चैनल पर ऐसी जानकारी देता हूं जो कि दोस्तों आपको कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बिना मशीन के ही काम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें बताऊंगा। और मशीनें लगानी पड़ेंगी तो इतनी बड़ी मशीन नहीं लगानी पड़ेगी जो कि बहुत बड़ा आपको रूम की जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़ी जगह जरूरत पड़ेगी, वैसा बिजनेस नहीं बताऊंगा। जो भी है कि 5 से 6 हज़ार रुपये में आप जो काम कर सकते हैं वैसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इसी तरीके से आज मैं एक बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, जिसको दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस ये है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मसाला कार्डबोर्ड की बिजनेस के बारे में। जैसे दोस्तों आप लोग मसाला कार्डबोर्ड के बिजनेस के बारे में जानते हैं कि इस पर कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, एक सीलिंग मशीन की जरूरत पड़ती है जो कि बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट में मिलती है, जो कि 800 से 1 हज़ार रुपये के बीच में ये मिल जाती है। दोस्तों इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि दोस्तों इसको आप कैसे कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप कैसे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको मैं दिखा दूँ, जैसे दोस्तों ये मसाला कार्डबोर्ड है। दोस्तों ऐसे मसाले कार्डबोर्ड आपको बनाने के लिए दोस्तों ये जो ये लड़ी होती हैं इनको आपको बनाने के लिए आपको एक मशीन चाहिए होती है सीलिंग मशीन के लिए। और दोस्तों मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं या तो आप ऐसे ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ये आप कार्डबोर्ड देख रहे हैं इस पर मैंने जीरा की पैकिंग की है। दोस्तों ये जीरा की जैसे पैकिंग की है तो ये जीरा मैंने इस पर 18 ग्राम जीरा पैक किया है 10 रुपये में। दोस्तों ये जीरा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मैंने जीरा मंगाया था। दोस्तों ये मैं अगर होलसेल से अपनी बात करूँ, कानपुर की बात करूँ, तो मैं कानपुर में 165 रुपये किलो के हिसाब से जीरा लेके आया था और इसको इसमें पैकिंग किया है। दोस्तों मैं अगर बात करूँ अगर 165 रुपये के हिसाब से तो मैंने इसमें ये तकरीबन 18 ग्राम का ये एक पैकेट है। दोस्तों इसके आपको एक पत्ते पे 12 से 13 रुपए आसानी से बच जाते हैं। दोस्तों अगर इसको आप बनाते हैं, अगर इसको आप अच्छे से सेलिंग करते हैं दोस्तों, जैसे कि ये आपको अगर आप ये होलसेल में भी देते हैं, अगर इसको आप 60 रुपये का भी देते हैं दोस्तों, इस पर आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों जैसे दोस्तों इस पर आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी चीज़ें इस पर लगाई हैं। और दोस्तों इस तरीके से अगर आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, हाँ दोस्तों इस पर काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। दोस्तों जैसे कि दोस्तों ये काली मिरी मिर्च है, दोस्तों मैंने इसमें 8 ग्राम काली मिर्च पैक की है। दोस्तों इस तरीके मैं और भी बहुत सारे आइटम आपको बना के दिखाता रहूँगा जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। जैसे दोस्तों आपको पता होगा ये जो कार्ड है, ये कार्ड आपको सिर्फ 4 रुपये के आसपास ट्रांसपोर्ट लेके दोस्तों पड़ जाएगा। दोस्तों वैसे तो पड़ेगा 3.5 रुपये का, मगर ट्रांसपोर्ट लेके आपको 4 रुपये का पड़ जाएगा। दोस्तों ये जो पन्नी होती है, अगर दोस्तों आपको ये पन्नी आपको नहीं मिल रही है तो आपको मैं ये नंबर दे देता हूँ, आप इस नंबर पे फ़ोन करिएगा या तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको इस पन्नी को जानकारी दूँगा। कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगी तो मैं खुद आपको दूँगा। दोस्तों ये पन्नी का रेट होता है 230 रुपये से 240 रुपये के बीच में होती है और ये आपको आसानी से मिल जाती है। जैसे दोस्तों देख रहे होंगे ये कार्ड कितना खूबसूरत लग रहा है, अगर दोस्तों इसको हम लोग अगर टांग देते हैं दुकान में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये कार्डबोर्ड का बिजनेस इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं दोस्तों, वैसे तो अभी 2 ही चीज़ ये रेडी हुई हैं। मैं दोस्तों आपको बता दूँ, ये जो काली मेरी मिर्च है ये आपको 450 रुपये से 460 रुपये के बीच में मिलती है। दोस्तों इसमें मैंने सिर्फ इसको 8 ग्राम पैक किया है, दोस्तों इस पर थोड़ी प्रॉफिट कम होती है, मगर ठीक है, इसको भी आप अगर ये काम कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10 से 15 चीज़ें आसानी से बना सकते हैं, उसके बाद आसानी से इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके की और भी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट मैं आपको आगे चल के बताता रहूँगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों मैं आपको ऐसी तरीके की जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।